हेलो स्टूडेंट्स, मिशन 50 के करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हमने प्रॉमिस किया था कि कुछ एमसीक्यूज भी आपके लिए मैं लाऊंगा। 15 एमसीक्यू बोला था लेकिन 18 एमसीक्यू है। तो पहले हम लोग एमसीक्यू करेंगे और उसके बाद हम लोग, चलिए सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएँ, सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएँ। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। हम लोग कल एमसीक्यू की बात किए थे कि कुछ एमसीक्यू भी अब करा दिया करेंगे। बिहार स्पेशल एमसीक्यू डेली हो जाया करेगा। टारगेट है 1000 क्वेश्चन। कोशिश रहेगा एग्जाम से पहले कम से कम 900 1000 क्वेश्चन करा दिया जाए। बिहार स्पेशल 900 1000 प्रश्न कराने का मेरा उद्देश्य है। तो आज करंट अफेयर भी होगा, जुड़े रहो, करंट अफेयर भी होगा। और आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे पहले, उसके बाद करंट अफेयर होगा। सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। चलिए सब लोग जुड़ जाइए जल्दी से, लिंक शेयर कर दीजिए। 15 है, सब लोग जल्दी से जुड़िए। जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। सभी लोग जल्दी जल्दी ऐड हो जाइए। सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आज हम लोग एमसीक्यू पहले करेंगे, एमसीक्यू करेंगे उसके बाद हम लोग जल्दी से सभी लोग ऐड हो जाइए। चलिए तो आज शुरू करते हैं पहला एमसीक्यू। सबको गुड इवनिंग, सबको शुभकामनाएं। हम लोग डेली 15-20 क्वेश्चन के बीच में रखेंगे। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है
देखिए सामने स्क्रीन पर आपका है आज का पहला सवाल, सामने स्क्रीन पर जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी से सबका आंसर कीजिए। आज का पहला सवाल, किस देश के साथ बिहार की सीमा मिलती है? बिहार का सीमा नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, चीन से, किससे मिलती है भैया? नेपाल से। बिहार की सीमा किससे मिलती है? नेपाल से। जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग, नेपाल से। और नेपाल से कितने देश की सीमा मिलती है, कितने राज्य की? नेपाल से भारत के 5 राज्य की सीमा मिलती है। कितने राज्य की सीमा मिलती है? 5। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। नोट कर लीजिए, नेपाल से भारत के 5 राज्यों की सीमा मिलती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम की सीमा मिलती है। बिहार का सीमा केवल नेपाल से मिलता है। नेपाल बिहार के 7 जिले, नोट कर लीजिए, बिहार के 7 जिले, 7 जिलों की सीमा किससे मिलती है? नेपाल से। बिहार के 7 जिले, नोट कर लीजिए, बिहार के 7 जिले, 7 डिस्ट्रिक्ट किसको छूते हैं? नेपाल को छूते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, बिहार के 7 जिले नेपाल को छूते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? पश्चिमी चंपारण, अररिया, मधेपुरा या किशनगंज? जल्दी से उत्तर दीजिए, बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? पश्चिम चंपारण, अररिया, मधेपुरा या किशनगंज? सभी लोग आंसर कीजिए, जितने लोग जुड़े हैं सेशन को शेयर कर दीजिए। लता कुमारी, मीनू कुमारी, सुजीत कुमार जी, जितने लोग जुड़े हैं, चंदा कुमारी, नुसरत जहां, सभी लोग उत्तर दीजिए सही उत्तर। बिल्कुल सभी ने सही उत्तर दिया है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बिहार के पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है भैया? पश्चिमी चंपारण में। और लिख लीजिए, सोमेश्वर की पहाड़ी शिवालिक पर्वत का भाग है, शिवालिक पर्वत का भाग है, शिवालिक पर्वत का भाग है। तो नोट कर लीजिए, उत्तर बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी और दक्षिण बिहार में कैमूर की पहाड़ी। उत्तर बिहार में सोमेश्वर की पहाड़ी और दक्षिण बिहार में कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी। नोट कर लीजिए, दक्षिण बिहार में कैमूर और उत्तर बिहार में सोमेश्वर। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण को ही क्या बोला जाता है? बेतिया। और यहीं पर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर कहाँ है जी? बेतिया में है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। कैमूर को भी बनाने वाले हैं, कैमूर को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा मिलने वाला है, अभी मिला नहीं है, मिलेगा तो 2 हो जाएगा। बिहार में भी एक ही टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर, वो भी कहाँ है जी? पश्चिमी चंपारण, बेतिया। और बिहार का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, बिहार का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, नोट कर लीजिए, ये भी कौन है? पश्चिमी चंपारण। जितनी जानकारी हो सकती है मैं सभी जानकारी आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो भाई, शिवालिक पर्वत का हिस्सा है सोमेश्वर की पहाड़ी, ये उत्तर बिहार में पश्चिम चंपारण में है। दक्षिण बिहार में कौन सा पहाड़ है? कैमूर की पहाड़ी। पश्चिमी चंपारण को बेतिया बोलते हैं, बेतिया में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है। पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल के हिसाब से, पश्चिमी चंपारण एरिया के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। और जनसंख्या के हिसाब से पटना, जनसंख्या के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? और अभी हाल ही में करंट में मैंने पढ़ाया है मधेपुरा में क्या मिला है? गुप्तकालीन सिक्के। अभी हाल ही में मैंने पढ़ाया है कि मधेपुरा में खुदाई से, हाल ही में
गुप्त काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में बीड़ी उद्योग कहाँ है? बिहार के लोग खूब बीड़ी पीते हैं, तो बिहार में बीड़ी उद्योग बताइए कहाँ है? भागलपुर, नालंदा, वैशाली या गया? भागलपुर, नालंदा, वैशाली या गया? बिहार में बीड़ी उद्योग कहाँ है भैया? भागलपुर, नालंदा, वैशाली या गया? सभी लोग आंसर करो जल्दी से, मैं देख रहा हूँ सबका आंसर, कौन सही करता है उत्तर। सही उत्तर है नालंदा। नालंदा में बिहार में क्या है भैया? बीड़ी बनाने का उद्योग, पत्ता से बनता है, उसमें खैनी डाल दिया जाता है और फिर सुलगा के जितने बुजुर्ग थे पहले के पीते थे। बिहार में तो लोग अब बीड़ी छोड़ के सिगरेट पर आ गए हैं, लेकिन हरियाणा के लोग अभी भी बीड़े पीते हैं। हरियाणा और पश्चिमी यूपी में जाओगे तो आपको सिगरेट पीने वाले बहुत कम मिलेंगे, चाहे बीड़ी हो या सिगरेट, वो सब फेफड़ा के लिए नुकसानदायक होता है। तो बीड़ी, सुकड़े, सिगरेट और जो भी आपके सेहत को नुकसान पहुंचाता है, ये सब में से सबको क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए, नहीं यूज करना चाहिए। भागलपुर, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ये अंग महाजनपद में शामिल था, सिल्क उद्योग के लिए फेमस है, सिल्क इंडस्ट्री। भागलपुर फेमस है सिल्क उद्योग के लिए। वैशाली विश्व का प्राचीनतम गणराज्य, वैशाली विश्व का प्राचीनतम गणराज्य। और गया महात्मा बुद्ध का ज्ञान स्थली, महात्मा बुद्ध को संबोधि एनलाइटमेंट कहां प्राप्त हुआ? गया में, गया बोध गया, नोट कर लीजिएगा, ये सारी बातों को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार के बरौनी, बिहार के बरौनी आपने नाम सुना होगा, थर्मल पावर प्रोजेक्ट का स्रोत क्या है? बिहार के बरौनी में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, तो थर्मल पावर को बिजली बनाने के लिए कहां से मिलता है ईंधन? भैया प्राकृतिक गैस से कि डीजल से कि कोयला से या प्राकृतिक ऊर्जा से? किससे मिलता है भाई, किससे? थर्मल पावर उपक्रम, बिहार के बरौनी के थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है, एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है, वहां पर बिजली का उत्पादन किया जाता है, किससे? नेचुरल गैस से कि डीजल से कि कोयला से कि प्राकृतिक ऊर्जा से? याद रखिएगा, भारत में डीजल को कम ही जलाते हैं, कोयला। क्या सही उत्तर होगा? कोयला से। बिहार के बरौनी में याद रखिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है, पेट्रोलियम रिफाइनरी भी है। बिहार के बरौनी में पेट्रोलियम रिफाइनरी है, साथ में उर्वरक, उर्वरक कारखाना भी है। उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर फैक्ट्री, बरौनी में उर्वरक कारखाना भी है। तो पेट्रोलियम रिफाइनरी, उर्वरक कारखाना, यहाँ कोयला जला के बिजली का उत्पत्ति किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न है मेरे भाई पांचवा नंबर, बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग नहीं है? बिहार में इनमें से कौन सा उद्योग नहीं है? तंबाकू उद्योग, कागज उद्योग, चीनी उद्योग, इस्पात और लोहा उद्योग। अगर बात करेंगे कि इनमें से बिहार में कौन सा उद्योग नहीं है, तो ध्यान देना भाई, बिहार में लोकल लेवल पे बड़ा उद्योग तो नहीं है, पर कागज बनाया जाता है, तंबाकू तो है ही, चीनी के बहुत सारे मिल बिहार में थे, लेकिन अब क्या हो गया? खत्म। तो आंसर क्या होगा? इस्पात और लोहा। अगर हमारे साथ झारखंड होता तब हम लगाते कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तंबाकू तो बड़े पैमाने पर है, बीड़ी सिगरेट बनाया जाता तंबाकू से ही। चीनी उद्योग भी बेतिया में सबसे ज्यादा, चीनी उद्योग का भी वर्तमान की बात करें तो चीनी उत्पादन में बेतिया। कागज का भी घरेलू उद्योग है, इसका बड़े पैमाने पर उद्योग आपको मिलेगा नहीं बिहार में, पर घरेलू स्तर पर कागज बनाए जाते हैं। लेकिन बिहार में कौन सा उद्योग नहीं है? इसका सही उत्तर होगा लोहा इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री। भारत में, नोट कर लीजिए साथ में, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पहली बार भारी उद्योग को फोकस किया गया था। मतलब कि भारत में जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान है, फाइव ईयर प्लान ज़्यादा समझिएगा आप लोग, ईयर प्लान है, इसमें भारी उद्योग यानी हेवी इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री को फोकस किया गया था, माने कि भारी उद्योग को फोकस किया गया था, और तीन लोहा इस्पात उद्योग लगाए गए थे, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई।
सेकेंड फाइव ईयर प्लान में किसको फोकस किया गया? भारी उद्योग को, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में उद्योग लगा, तीनों लगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। दुर्गापुर में लगा ब्रिटेन के मदद से, नोट कर लीजिए, राउरकेला में लगा जर्मनी के मदद से और भिलाई में लगा रूस के मदद से। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना सेकेंड फाइव ईयर प्लान में तीन लोहा इस्पात उद्योग लगे। एक लगा दुर्गापुर बंगाल में, दुर्गापुर कहाँ है जी? बंगाल में। पर हाल ही में पढ़ाया हूँ, भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री, भारत का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ लगाया गया? दुर्गापुर में। दुर्गापुर राउरकेला उड़ीसा में है और भिलाई वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। जब लगा था उद्योग तो मध्य प्रदेश में था, अब कहाँ है भैया? छत्तीसगढ़। तो बंगाल के दुर्गापुर में ब्रिटेन की मदद से, उड़ीसा के राउरकेला में जर्मनी की मदद से, अब भिलाई छत्तीसगढ़ के भिलाई में रूस की मदद से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीन लोहा इस्पात उद्योग लगे। वर्तमान बिहार में कोई लोहा इस्पात का कारखाना नहीं है। वर्तमान बिहार में आप जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड हमसे अलग हो गया, झारखंड का बिहार से अलग कर दिया गया। कब? 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस। झारखंड का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 15 नवंबर को। और बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च। अगला आइए, बिहार का मुख्य तेल शोधक कारखाना कहाँ है? आसान प्रश्न है, सभी लोग इसका उत्तर दे दें। बिहार का एकमात्र एकमात्र तेल शोधन कारखाना यानी ऑयल रिफाइनरी, एकमात्र रिफाइनरी कहाँ है भैया? यह बरौनी में। आज मैंने कुछ आसान प्रश्न लिए हैं आपके लिए। बरौनी, धनबाद तो खैर बिहार में है ही नहीं, हथुआ बिहार में है, मोकामा भी बिहार में है, लेकिन बरौनी आंसर होगा। बिहार में एकमात्र तेल शोधन कारखाना कहाँ है जी? बरौनी में है। नेक्स्ट आते हैं, अगला करंट अफेयर देखा जाए। नेक्स्ट करंट अफेयर है बिहार में, बिहार का जूट, बिहार में जूट उत्पादन में पहले स्थान पर कौन सा जिला है? बिहार में जूट के उत्पादन में पहला स्थान किस जिले का है? बिहार में जूट के उत्पादन में पहला स्थान किस जिले का है? ऑप्शन ए किशनगंज, ऑप्शन बी मधुबनी, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी बक्सर। इनमें से पूछ रहा है, इनमें से कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन किया जाता है? इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो क्लियर है, आसान प्रश्न है, किशनगंज। किशनगंज में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा कटिहार में होता है। इससे भी ज्यादा कहाँ होता है जी? कटिहार। जूट के उत्पादन में कटिहार का पहला स्थान है, किशनगंज दूसरे स्थान पे है। अगर बात करते हैं भारत की तो बंगाल, भारत में बंगाल का जूट के उत्पादन में पहला स्थान है। भारत के में, भारत में किस राज्य का जूट के उत्पादन में पहला स्थान है? इसका आंसर होगा बंगाल। बंगाल का जूट के उत्पादन में पहला स्थान है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा ए, जूट के उत्पादन में किशनगंज इनमें से पहले स्थान पर है। वैसे पहले स्थान पर कौन है? कटिहार। अब पूरे भारत में किसका पहला स्थान है जूट में? पश्चिम बंगाल का। अब पूरे दुनिया में? बांग्लादेश का। नेक्स्ट आइए, बिहार में आम के उत्पादन में पहला स्थान पर कौन सा जिला है? दरभंगा, किशनगंज, मुजफ्फरपुर या मधुबनी? बिहार में प्रथम स्थान पर आम के उत्पादन में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? जल्दी बताओ, बिहार का आम के उत्पादन में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? जल्दी उत्तर दे दो मेरे भाई। दरभंगा, किशनगंज, मुजफ्फरपुर या मधुबनी? इसका सही उत्तर होगा मधुबनी, उसके बाद दरभंगा, मधुबनी के बाद दरभंगा। सबसे ज्यादा आम का उत्पादन कहाँ होता है? मधुबनी में, नोट कर लीजिए। और हाल ही में मधुबनी में क्या मिला है? गुप्त काल के सिक्के मिले हैं, हाल ही में मिला है, इसलिए करंट है। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, उसे GI टैग मिला हुआ है बिहार में, उसे GI टैग मिला है बिहार में। और मुजफ्फरपुर में खादी मॉल, मुजफ्फरपुर बिहार में, पटना में पहले था खादी मॉल, भारत का पहला खादी मॉल, पूरे भारत का पहला खादी मॉल पटना, पटना में। और अब बिहार में सिर्फ पटना ही नहीं, गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, इन सब में क्या खुला है भैया? गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर में भी अब क्या खुल गया? खादी मॉल। तो मुजफ्फरपुर खादी मॉल के लिए जाना जा रहा है। नेक्स्ट आइए, मुजफ्फरपुर में भी खादी मॉल। जब से उद्योग मंत्री बने हैं शाहनवाज हुसैन, मुझे लग रहा है कि
थोड़ा सा उद्योग के मामले में बिहार ने प्रगति किया है। सैयद शाहनवाज हुसैन जब से उद्योग मंत्री बने हैं, थोड़ा बहुत अगर देखा जाए पिछले से तुलना करके तो हमारा उद्योग में काफ़ी प्रगति हुआ है ना। आप जानते हैं कि बेगूसराय में जो बेगूसराय जो है वहाँ बोटलिंग का, पेप्सी का जो बोटलिंग होता है ना, जो बोटलिंग प्लांट लगाया गया है। चलिए आगे आते हैं। बिहार के जमीन का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई नहर द्वारा होती है? बिहार के जमीन का कितना प्रतिशत भाग की सिंचाई नहर द्वारा होती है? 21%, 27%, 31% या 37%? बिहार में कितने प्रतिशत जमीन का सिंचाई नहर द्वारा होता है? जल्दी से उत्तर दीजिए। 21, 27, 31 या 37? सही उत्तर क्या होगा? 37%। बिहार में नहर सिंचाई से कितने प्रतिशत में सिंचाई होता है जी? 37%। और मैं बता दूं कि बिहार में सबसे अधिक सिंचाई किससे होता है जी? नल, ट्यूब बेल से होता है। नोट कर लीजिए, ट्यूब बेल, उसके बाद नहर से होता है। नेक्स्ट आइए, आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? बिहार का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? कांवर अभयारण्य, दूसरा है नकटी अभयारण्य, तीसरा है गोगा बिल अभयारण्य और चौथा है बक्सर अभयारण्य। बताइए कौन सा अभयारण्य बिहार का सबसे प्राचीन अभयारण्य कौन सा है? जल्दी उत्तर दीजिए। कांवर नकटी गोगाबिल या बक्सर? इसका सही उत्तर होगा नकटी अभयारण्य। यह है जमुई में। कहाँ है मेरे भाई? नकटी अभयारण्य कहाँ है? जमुई में। कांवर अभयारण्य बेगूसराय। गोगाबिल कटिहार। बक्सर तो बक्सर में ही होगा। तो भाई सबसे पुराना अभयारण्य पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? नकटी अभयारण्य जमुई। अभी हाल ही में बिहार में भारी मात्रा में सोना मिला है। भारी मात्रा में क्या मिला है जी? गोल्ड। कहाँ मिला है? भारी मात्रा में गोल्ड मिला है जमुई में। भारी मात्रा में गोल्ड मिला है, सोना मिला है, और इसका नकटी अभयारण्य बिहार का पहला वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर। बिहार का पहला वन्य जीव अभयारण्य नकटी अभयारण्य जमुई, कांवर अभयारण्य बेगूसराय। और बता दें ये जो कांवर है ना, ये कांवर झील भी है। कांवर झील ये बिहार का एकमात्र आर्द्रभूमि। आर्द्र या रामसर एक ही बात है। बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि या रामसर भूमि क्या भी या कांवर झील। कांवर झील बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि या रामसर भूमि है। बिहार का एकमात्र आर्द्र भूमि या रामसर भूमि कांवर झील। अब गोगाबिल, ये भी एक झील का नाम है, गोगाबिल लिख लीजिए। गोगाबिल कटिहार में है और ये ऑक्सबो लेक का उदाहरण है, मतलब गोखुर झील का उदाहरण है। गोगाबिल कटिहार में है और ये ऑक्सबो लेक का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? आसान प्रश्न, सभी लोग इसका उत्तर करेंगे। देखो बीपीएससी में आसान ही प्रश्न आता है, बीपीएससी में प्रश्न आसान ही आते हैं। बीपीएससी में जो क्वेश्चंस हैं वो कभी टफ नहीं आते, यही आसान प्रश्न गलती होते हैं। सासाराम कहाँ है भैया? सासाराम। शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम। शेर शाह सूरी का जो मकबरा है वो कैसा है भैया? अष्टभुजीय मकबरा है जो चारों ओर से पानी से घिरा है। पानी से
घिरा है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ मकबरा कौन है जी? शेर शाह सूरी का मकबरा। इसने सूर वंश की स्थापना की, सूर वंश की स्थापना की कब? 1540 में। 1540 में सूर वंश की स्थापना किसने की? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना 1540 में किया। और शेर शाह सूरी कब तक राजा रहा? 1540 से 1545। शेर शाह सूरी का कार्यकाल, शेर शाह सूरी कब से कब तक राजा रहा? 1540 से 1545। एक बात और लिख लीजिए, शेर शाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। बचपन का नाम फरीद खां, बचपन का नाम, इसके बचपन का नाम फरीद खां और पिता का नाम, पिता का नाम हसन खां। हसन खां लिख लीजिए, शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां और पिता का नाम हसन खां। हाँ, जौनपुर के जमींदार थे, इनके पिता जौनपुर रियासत के जमींदार थे। बचपन का नाम फरीद खां और पिता का नाम हसन खां। शेर शाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हम पूरा साम्राज्य खो देते। क्वेश्चन आता है कई बार, किसने कहा था कि हम एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे साम्राज्य खो देते, ये किसने कहा था? तो शेर शाह सूरी ने ही कहा था। शेर शाह सूरी ने कहा था कि हम एक मुट्ठी बाजरे के लिए हम पूरा साम्राज्य खो देते। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? इतनी बातें आप लोग याद कर लीजिए। इस तरह का सीरीज अब डेली करंट अफेयर डिस्कशन से पहले हम लोग 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर लिया करेंगे। नेक्स्ट आइए, किस नेता ने 1937 में बिहार में कांग्रेस सरकार बनाई थी? किस नेता के नेतृत्व में बिहार में कांग्रेस सरकार का गठन किया गया था? तो श्रीकृष्ण सिंह। श्रीकृष्ण सिंह जो कहां के रहने वाले भैया? मुंगेर के रहने वाले हैं। मुंगेर के रहने वाले श्रीकृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। 1937 में जब चुनाव हुआ, प्रांतीय चुनाव 1937 में हुआ, तो कांग्रेस सरकार बनाई शुरुआत में किसके नेतृत्व में? शुरुआत में मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, यूनुस के नेतृत्व में क्या बनाया? सरकार बनाया था, लेकिन ये अंतरिम सरकार था, ध्यान रहे, अंतरिम सरकार बनी थी यूनुस जी की अध्यक्षता में। यूनुस जी की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार बनी, लेकिन परमानेंट सरकार श्रीकृष्ण सिंह की अध्यक्षता में बना। बता दें 1937 में 11 प्रांतों में, 1937 में नोट कर लीजिए, 11 प्रांतों में आम चुनाव हुआ था। 1937 में 11 प्रांतों में आम चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस को 5 राज्य में, 5 प्रांत में बहुमत मिला। कांग्रेस को बहुमत कितने प्रांत में मिला था? 1937 में 11 राज्यों में आम चुनाव हुए, जिसमें 5 राज्य में बहुमत मिला, उसमें से बिहार भी एक राज्य था जहां कांग्रेस को क्या मिला था? बहुमत मिला था। लेकिन कांग्रेस ने सरकार बनाया कितने राज्यों में? 8 प्रांत में। 8 प्रांत में, 8 प्रांत में कांग्रेस ने क्या बनाई? कांग्रेस ने सरकार बनाई। कांग्रेस की क्या बनी? सरकार। पूछा जाए कि 1937 में कितने राज्यों में चुनाव हुआ? 11 राज्यों में। कितने राज्य में सरकार बना? 8 राज्य में। बहुमत से कहां बना सरकार? 5 राज्य में। ये पूरी बात याद रखो। और 8 प्रांत में कांग्रेस की कंप्लीट गवर्नमेंट बना, लेकिन 5 राज्यों में बहुमत से बना, बाकी राज्यों में जोर तोड़ से बना। और कितने महीने तक शासन चला? 29 माह। कांग्रेस शासन के 29 माह। कितने महीने तक शासन चला? 29 माह। 29 महीने तक शासन चला कांग्रेस सरकार ने, 29 महीने तक शासन चलाया। आप पूछेंगे सर 29 महीने तक क्यों, उससे आगे क्यों नहीं? क्योंकि कांग्रेस से बिना पूछे 1939 में भारतीयों को वर्ल्ड वार में शामिल कर लिया गया, भारतीयों को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया बिना पूछे कांग्रेस से। इसलिए कांग्रेस गुस्सा में आ गई और पूरी कांग्रेस मंत्रिमंडल क्या कर दी? इस्तीफा दे दिया। पूरे कांग्रेस मंत्रिमंडल ने रिजाइन कर दिया। और जिस दिन कांग्रेस मंत्रिमंडल ने रिजाइन किया, उसी दिन मुक्ति दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? मुक्ति दिवस। नोट करिए, कांग्रेस ने जिस दिन रिजाइन किया, उसी दिन मुस्लिम लीग ने क्या मनाया? क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार विधान परिषद, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल कितने मेंबर हैं? बिहार के विधान परिषद में टोटल कितने मेंबर हैं मेरे भाई? 55, 70, 75 या 87? बिहार विधान परिषद में कुल कितने मेंबर हैं? मैं सभी का आंसर देख रहा हूं, जल्दी से सभी लोग आंसर कर दो। इसका सही उत्तर होगा 75।
बिहार विधान परिषद में कितने मेंबर हैं जी? 75। बिहार विधान परिषद में कितने मेंबर हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 75। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, इसमें कितने मेंबर हैं? 243। लोकसभा इसमें कितने मेंबर हैं जी? 40। राज्यसभा इसमें कितने मेंबर हैं जी? 16। नोट कर लीजिए, बिहार के प्रतिनिधित्व लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधान परिषद में कितने? 75। विधानसभा में कितने? 243। लोकसभा में कितने? 40। राज्यसभा में कितने? 16। ये क्या है भैया? बिहार के लोकतंत्र में हिस्सा, हर एक हाउस में बिहार का कितना हिस्सा है? तो 75। और याद रखना, विधान परिषद किसी भी राज्य में, विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान आर्टिकल 169 में है। आर्टिकल 169 में किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना फाइनली किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा। किसी भी राज्य में विधान परिषद, किसी भी राज्य में विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल हटाना हो या वहां स्थापित करना हो, किसके तहत करते हैं? 169, विधान परिषद की स्थापना और उसे हटाना, ये दोनों किसमें आता है? 169 के तहत। फाइनली किसी भी राज्य से विधान परिषद को हटाएगा या स्थापित करेगा, कौन करेगा? संसद करेगा। और विधान परिषद की संरचना, ये आता है अनुच्छेद 171 में, आर्टिकल 171 में आता है विधान परिषद की संरचना। किसी भी राज्य के विधान परिषद का जो स्ट्रक्चर है वो किसमें आता है? अनुच्छेद 171 में आता है। नोट कर लीजिए, फाइनली क्वेश्चन आता है, विधान परिषद की स्थापना करता कौन है? तो करता है संसद। हटाता कौन है? संसद। और याद रखो, किसी भी राज्य में विधान परिषद हटाना हो या उस राज्य में विधान परिषद स्थापित करना हो तो उसका प्रस्ताव पहले उस राज्य के विधानसभा में पारित होता है। ध्यान रहे भाई, बंगाल राज्य के द्वारा अपने यहाँ विधान परिषद की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया है, तो पहले किसी राज्य में यदि विधानसभा हटाना है तो भी, अब स्थापित करना है तो भी, क्या होता है? उस राज्य के विधानसभा में पहले प्रपोजल पास होता है विशेष बहुमत से। नोट कर लीजिएगा, राज्य में विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से। और फिर उसके बाद वही प्रपोजल जाता है पार्लियामेंट में, वहां सेम प्रपोजल पार्लियामेंट पास करता है सिंपल मेजोरिटी से, यानी साधारण बहुमत से। यानी विधान परिषद की स्थापना का प्रस्ताव विधानसभा में पारित होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में पारित होगा विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से, और संसद में पारित होगा सिंपल मेजोरिटी से। इतना बात याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं, विधान परिषद की संरचना 171, अब विधानसभा की संरचना 170। विधानसभा की संरचना 170, विधान परिषद की स्थापना 169, विधान परिषद की संरचना 171, अब विधानसभा की संरचना 170। ये याद रखो भाई, बिहार विधान परिषद में कितनी सीटें हैं वो तो हो ही गया था। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आते हैं भाई, बिहार का पहला राज्यपाल कौन बने? आजादी के बाद पूछ रहा है, आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? आजादी मिल गई उसके बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, जयराम दास दौलतराम, हसन इमाम या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से किसे आजादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल, यानी 1947 में जब आजादी मिली उसके बाद बिहार के 47 में ही पहले राज्यपाल कौन बने? इसका सही उत्तर होगा जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम ये 1947 से लेकर 1949 तक, 1947 से लेकर 1949 तक बिहार के गवर्नर रहे, बिहार के गवर्नर रहे 1947 से लेकर 49 तक। आजादी के बाद पूछा जाए बिहार के पहले गवर्नर तो जयराम दास दौलतराम। और याद रखो एक चीज और, जब बिहार का गठन हुआ तब बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने? गठन कब हुआ? 1912 में, 22 मार्च 1912 को बिहार प्रदेश का गठन हुआ। उस समय बिहार में, बिहार जो था, सुन लो, जब बिहार बना उस समय बिहार गवर्नर वाला प्रांत नहीं था, बिहार बना दिया गया लेकिन वहां गवर्नर नहीं होते थे, बंगाल से काटकर 1912 में बिहार बन गया लेकिन बिहार में गवर्नर नहीं होते थे। बिहार 1919 में गवर्नर वाला प्रांत बना, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ये सब, ये बिहार स्पेशल किसी चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा, ध्यान से सुन लो, होलिस्टिक अप्रोच
पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सबको कंबाइंड करके चीजों को कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो, बेहतर है कर लो, परीक्षा में सीधे काम आएगा। भाई बिहार गवर्नर वाला राज्य कब बना? 1919 में। तब पहले गवर्नर कौन बने? सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, नोट कर लो भैया, बिहार के, बिहार जब गवर्नर वाला प्रांत बना तो बिहार के पहले राज्यपाल कौन बने? सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। लेकिन आजादी के बाद पूछे पहला गवर्नर तो जयराम दास दौलत राम। आजादी के बाद पहले गवर्नर जयराम दास दौलत राम। बिहार राज्य का गठन कब हुआ? 22 मार्च 1912। लेकिन उस समय बिहार गवर्नर वाला प्रांत नहीं बना, बिहार 1919 में गवर्नर वाला प्रांत बना। तब इसके पहले गवर्नर कौन बनाए गए? सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, नोट कर लीजिए। और मैं बता दूं कि बिहार राज्य को बंगाल से अलग कराने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए सबसे अधिक प्रयास किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा। उनकी एक मैगजीन थी, पत्रिका थी बिहारी, नोट कर लो, बिहारी मैगजीन, बिहारी, बिहारी मैगजीन, इसी का नाम पहले था बिहार टाइम्स। बिहारी मैगजीन का पहले नाम क्या था? बिहार टाइम्स। यह मैगजीन किसके द्वारा निकाला जाता था? सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार के, बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा ने निकाला था बिहार टाइम्स मैगजीन, जिसका नाम बदल के बाद में बिहारी कर दिया गया। और बिहार टाइम्स मैगजीन के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद, बाबू महेश्वर प्रसाद, नोट कर लीजिए। निकाला गया बिहारी मैगजीन या बिहार टाइम्स, एक ही मैगजीन का दो नाम है, तो बाबू महेश्वर प्रसाद इसके संपादक थे। लेकिन निकाला किसने मैगजीन को? मैगजीन को निकाला सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा का संबंध आरा से है, आरा और बक्सर से उनका संबंध है। सच्चिदानंद सिन्हा का, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मेंबर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। बिहार, ब्रिटेन के, लंदन के, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबर बनने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पहले मेंबर सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अब बिहार को बंगाल से अलग करने में इनका बड़ा योगदान था। इन्हीं का मैगजीन था बिहार टाइम्स, जिसको बाद में बिहारी कहा गया, जिसके संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। चीजों को नोट कर लो। अगला, नेक्स्ट है भैया, अगला है क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जा रही है? करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ाया है, ये गलती होगा तो कान पकड़ के चांद दिखा देंगे सबको, अगर गलती हुआ तो कान कबाड़ लेंगे कैमरा में घुसकर। जल्दी से उत्तर दो, गलती नहीं होना चाहिए। सिवान, छपरा, गोपालगंज, गया, बिहार के किस जिले में इथेनॉल प्लांट की स्थापना की जा रही है? जल्दी उत्तर दे दो, वरना मुर्गा बना देंगे सबको। जल्दी से उत्तर दो भाई, जल्दी से उत्तर दो, कहां इथेनॉल प्लांट? कहां? बिल्कुल सही, सभी लोग होनहार बच्चे, जितने लोग जुड़े हैं हमें कान कबाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। गोपालगंज, बिहार में इथेनॉल प्लांट। अब बॉटलिंग प्लांट कहां लगाया गया जी? बेगूसराय में। बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय, नोट कर लो, बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में, बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में। इथेनॉल प्लांट कहां भैया? गोपालगंज में, नोट कर लीजिए। फायदा तो होगा, फायदा तो होगा, उठाने वाला चाहिए, फायदा होगा लेकिन उठाने का अकल होना चाहिए, समझ आ रहा भाई, वरना नहीं उठेगा फायदा। बिहार के किस जिले में बिहार के किस जिले ने पहली बार डिजिटल फर्टिलिटी मैप जारी किया? जल्दी उत्तर बताओ, जल्दी से उत्तर बताओ भैया, बिहार के किस जिले ने डिजिटल फर्टिलिटी मैप जारी करने वाला बिहार का पहला जिला, डिजिटल फर्टिलिटी मैप जारी करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना? जल्दी से उत्तर दो, सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है, किशनगंज। किशनगंज बिहार का पहला जिला बन गया जिसने डिजिटल फर्टिलिटी मैप जारी किया है। और बता दें बिहार का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा भैया? किशनगंज। अब बिहार में सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला स्थान औरंगाबाद, औरंगाबाद, औरंगाबाद में सबसे कम वर्षा।
और सबसे ज्यादा तापमान गया, सबसे कम तापमान गया, सबसे ज्यादा तापमान गया, सबसे कम तापमान गया। तो बिहार में सब सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किशनगंज और पहला डिजिटल फर्टिलिटी मैप जारी करने वाला जिला किशनगंज। आगे आ जाओ भाई जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में कृषि ड्रोन, अभी हाल ही में मोदी जी 100 ड्रोन उड़ाए हैं कृषि के लिए, कृषि में खाद उर्वरक और दवाई के छिड़काव के लिए मोदी जी 100 ड्रोन उतारे हैं मैदान में, उसकी शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई। 100 ड्रोन मोदी जी शुरू किए हैं छिड़काव के लिए, दवाई के फसल पर दवाई के छिड़काव के लिए मोदी जी ने कृषि ड्रोन 100 कृषि ड्रोन की शुरुआत की है। उसमें ड्रोन परियोजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से हुआ है इसका उत्तर दो, और मेरे से एक डेयरी मिल्क ले जाओ, एक चॉकलेट मिलेगा इनाम जो उत्तर देगा। भैया पटना, भागलपुर, बक्सर या जहानाबाद, इसका सही उत्तर होगा बक्सर। बिहार के बक्सर से ड्रोन योजना की शुरुआत, मोदी जी ने कृषि ड्रोन योजना की शुरुआत कहां से की है भैया? बक्सर से। जल्दी से नोट कर लो, बक्सर से कृषि ड्रोन की शुरुआत किया है मोदी जी ने, नोट कर लीजिए। अब बिहार का नेक्स्ट आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बिहार का कौन बन गया है? बिहार का कौन सा जिला है जिसके पूरे के पूरे बैंक डिजिटल हो गया है? 100% बैंक डिजिटल हो गया भैया, पेपरलेस हो गया, पेपरलेस जिला, पेपरलेस बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया? जहानाबाद। बिहार का जहानाबाद पहला जिला बन गया जिसके सारे के सारे बैंक क्या हैं? डिजिटल, 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जहानाबाद। और कौन सा ऐसा जिला है जिसका कलेक्ट्रिएट 100% डिजिटल हो गया? तो सहरसा। पढ़ाए थे हम कि सहरसा जिला बिहार का एकमात्र जिला बन गया जिसका कलेक्ट्रिएट डीएम ऑफिस, कलेक्ट्रिएट मतलब डीएम ऑफिस यानी समाहरणालय बोल सकते हैं आप, जिसका समाहरणालय क्या बन गया है भैया? 100% डिजिटल, वो सहरसा जिला है। चलिए तो ये हमारा एमसीक्यू का जो था क्या हुआ, समाप्त हुआ एमसीक्यू। हम लोग 18 एमसीक्यू आज लिए थे, कैसा लगा एमसीक्यू डिस्कशन एक बार बताइएगा। चलिए ये एमसीक्यू डिस्कशन अब डेली होगा, बस जुड़े रहो। टारगेट है 1000 प्रश्न, पीटी होने के पहले 1000 बिहार स्पेशल क्वेश्चन हम आपको करा देंगे, इतना करा देंगे कि बिहार स्पेशल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस लगातार जुड़े रहिए, लगातार काम करते रहिए। अब हम लोग करंट अफेयर की सीरीज जो चलाते थे उसको बंद नहीं किया जाएगा, वो इसके साथ चलेगा। और आप लोग बोले हैं कि सर हम लोग को टॉपिक वाइज करंट करा दीजिए, वो भी करेंगे, थोड़ा मिसलेनियस हो जाने दीजिए, तो फिर हम टॉपिक वाइज करेंगे। सारा अवार्ड का करंट एक जगह करा देंगे, खेल और जो स्पोर्ट्स वाला करंट होता है एक जगह करा देंगे, जितने इंपॉर्टेंट जो नियुक्तियां होती हैं उनको हम एक साथ करा देंगे, सब किया जाएगा। थोड़ा धैर्य रखो, एकाएक बॉइलिंग में मत आओ, नहीं तो फिर क्या होगा, ब्लास्ट होगा। तो चलो भैया, चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज संधु, ये थोड़ा पहले का भी करंट है लेकिन देख लीजिए, चंडीगढ़ की रहने वाली हरनाज संधु नाम सुना होगा, 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता है। इस बार मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? हरनाज संधु। कहाँ की रहने वाली हैं? चंडीगढ़। रॉक गार्डन कहाँ है जी? रॉक गार्डन चंडीगढ़। कैपिटल म्यूजियम चंडीगढ़, नोट कर लीजिए, कैपिटल म्यूजियम चंडीगढ़, रॉक गार्डन चंडीगढ़। और चंडीगढ़ के रहने वाली हरनाज संधु ने मिस यूनिवर्स खिताब जीता है, भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी, नोट कर लीजिए, भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी, भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन बनी थी। और वर्तमान में चंडीगढ़ की हरनाज संधु, इंडिया की तरफ से इस बार इंडिया का सीना गर्व से ऊंचा हो गया जब हरनाज संधु ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता।
इस साल का विजेता भारतीय हैं, और पहला भारतीय जिसने मिस यूनिवर्स जीता वह सुष्मिता सेन, और पहली भारतीय जिसने मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीता है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन है भैया? तो ये है कुमारी रीता फारिया। कुमारी रीता फारिया, नोट कर लीजिए, मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली महिला कुमारी रीता फारिया, पहली मिस वर्ल्ड कुमारी रीता फारिया, पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, और वर्तमान की मिस यूनिवर्स चंडीगढ़ के रहने वाली हरनाज संधू। चलिए नेक्स्ट करेंट को सामने देखिए, हरनाज संधू का पिक मैंने दे दिया है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अगला करेंट हम लोग देखते हैं, भारत अमेरिका से, भारत जो है अमेरिका से खरीदेगा ड्रोन। कैसा ड्रोन भाई? प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन, इसका नाम है प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन। कितने ड्रोन खरीदेगा भैया? 30, टोटल 30 ड्रोन खरीदेगा। और मैं आपको बता दूं, यह पहला मौका है, ऐसा पहला अवसर है जब अमेरिका इस प्रकार का ड्रोन किसी गैर नाटो देश को दे रहा है। ऐसा पहला मौका है जब यह ड्रोन अमेरिका क्या कर रहा है भैया? पहला गैर नाटो, ऐसा देश जो नाटो में शामिल नहीं है, खैर यह गलती टाइप हो गया, गैर नाटो लिख दीजिए, गैर नाटो। यह ड्रोन, इस तरह का ड्रोन आज तक अमेरिका ने नाटो देश को बेचा है, पहली बार इस तरह का ड्रोन अमेरिका ने बेचा है। किसको? भारत को। भारत को यानी गैर नाटो देश। आज के अखबार से है भैया, आज के न्यूज़पेपर से है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रीडेटर ड्रोन, प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन भारत अमेरिका से खरीदेगा। इस ड्रोन के लिए 2017 में मोदी जी ने समझौता किया था। 2017 में उस समय राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच एक समझौता हुआ था, उसी के तहत 30 प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन अमेरिका भारत को बेचेगा, और अमेरिका पहली बार इस टाइप का ड्रोन किसी गैर नाटो देश को दे रहा है। नाटो नाम सुना है ना, नाटो में टोटल कितने मेंबर हैं? नाटो में कुल 30 मेंबर हैं। आज तक इस तरह का ड्रोन अमेरिका नाटो के मेंबर को ही दिया है, पहली बार भारत को दिया जो गैर नाटो देश है। अभी भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध है वो बेहतर चल रहे हैं। देखो सामने प्रीडेटर ड्रोन का चित्र मैंने दे दिया है, ऐसा ड्रोन अमेरिका पहली बार बेच रहा है ऐसे देश को जो नाटो के मेंबर नहीं है। चलिए नेक्स्ट आइए, अगला करंट अफेयर जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अंजू बॉबी जॉर्ज, नाम सुना होगा, अंजू बॉबी जॉर्ज दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एथलेटिक्स में वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला एथलीट कौन है? अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज को एथलीट, वुमेन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड, वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने दिया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स ने दिया है। इस अवार्ड को जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलेटिक्स कौन बन गई है? अंजू बॉबी जॉर्ज। देखिए सामने अंजू बॉबी जॉर्ज, ये एथलेटिक्स से जुड़ी हुई है, लंबी कूद, ये किससे जुड़ी है भैया? लंबी कूद, ओलंपिक में हिस्सा भी ली है, और अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड वर्ल्ड एथलेटिक ने दिया है, और यह अवार्ड जीतने वाली भारत की पहली एथलीट महिला है, नोट कर लीजिए। आगे ये नेक्स्ट, अगला करंट अफेयर है, ब्यूटी स्टार्टअप नायका, एक ब्यूटी स्टार्टअप है, एक कंपनी है जिसका नाम है नायका, उस कंपनी का नाम है नायका, उसकी उससे जुड़ी हुई महिला फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। फाल्गुनी नायर ब्यूटी स्टार्टअप नायका से जुड़ी हुई हैं। ब्यूटी स्टार्टअप एक कंपनी है, नायका एक कंपनी है जो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है, जो क्या बनाती है जी? ब्यूटी प्रोडक्ट यानी क्रीम बनाती है, सेंट बनाती है, शैम्पू बनाती है, साबुन बनाती है, क्रीम बनाती है। तो ब्यूटी स्टार्टअप नायका उससे जुड़ी एक महिला है फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी नायर उन्हें भारत की सबसे अमीर महिला घोषित किया गया है, भारत की सबसे अमीर महिला। और साथ में मैंने जोड़ दिया है, हाल ही में नीना गुप्ता, पढ़ा चुका हूँ, रिवीजन करने के लिए जानबूझकर जोड़ दिया हूँ, नीना गुप्ता को रामानुजन पुरस्कार दिया गया है।
रामानुजन पुरस्कार, इस पुरस्कार को पाने वाली तीसरी महिला है। नीना गुप्ता से पहले दो और महिलाओं को रामानुजन अवार्ड मिल गया था। रामानुजन अवार्ड उसी व्यक्ति को दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, जिनकी आयु 45 साल से कम है। तो नीना गुप्ता तीसरी महिला है जिन्हें रामानुजन अवार्ड मिला। और ब्यूटी स्टार्टअप नायिका के फाल्गुनी नायर भारत की सबसे रिच महिला बन गई हैं। देखिए सामने फाल्गुनी नायर का चित्र है, भारत की सबसे अमीर महिला फाल्गुनी नायर, नायिका ब्यूटी प्रोडक्ट बनाती है, उसकी चीफ है, वो भारत की सबसे अमीर लेडी बन गई हैं। अब आइए, अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तो केवल कार्रवाई हो रहा है, यूरोप में जितना ऑर्गेनाइजेशन है सब मिल के हमला कर रहा है, कोई व्यक्तिगत प्रतिबंध तो कोई सामूहिक प्रतिबंध, तो रूस पर केवल प्रतिबंध ही प्रतिबंध। उस प्रतिबंध के बाद भी रूस टिका हुआ है, रूस अपने दम पर। रूस के बारे में बात अगर करें तो रूस मिनरल्स के मामले में, मिनरल का मतलब खनिज के मामले में काफी धनी है, लेकिन उसका कृषि के मामले में बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो उतना ज्यादा एग्रीकल्चर के रूप में धनी नहीं है। फिर भी विपरीत कंडीशन में उसका अधिकांश हिस्सा में तो ठंडी पड़ता रहता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, रूस का साइबेरिया क्षेत्र बिल्कुल बेकार क्षेत्र है, फिर भी रूस अपने दम पर वो साम्राज्य खड़ा किया है, जिसके दम पर पश्चिमी देशों को, अमेरिका जैसे शक्तिशाली देशों को आंख दिखा रहा है। सारे प्रतिबंध के बाद वो डटा हुआ है, खड़ा हुआ है। मैं तो पहले बोल चुका हूं रूस का यूक्रेन पर हमला बिल्कुल जायज है, एशिया महादेश के लिए 100% जायज है यूक्रेन पर रूस का हमला। जायज क्यों है? क्योंकि नाटो, अगर रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, इस तरह के कार्रवाई नहीं करेगा, तो नाटो का विस्तार एशिया महादेश तक हो जाएगा। और नाटो एशिया महादेश में आने का मतलब है को चीन, भारत और पूरे एशिया को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा। इसलिए नाटो का चाल और चरित्र दुनिया में सबसे घटिया, चीन से भी घटिया चरित्र है नाटो का, सोच सकते हैं आप। इसलिए नाटो को रोकने के लिए यूक्रेन पर हमला 100% जायज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मानवता के नाते नहीं बोल रहा हूं मैं, मानवता के नाते तो कहीं भी लड़ाई करना ठीक नहीं है। मोदी जी ने तो कहा ही है कि हमें युद्ध से बुद्ध की ओर आना है, लेकिन रूस ने जो हमला किया है यूक्रेन पर, उसके लिए ये थे क्या अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ के क्या थे भैया, अध्यक्ष थे, अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ के क्या थे भैया, मानद अध्यक्ष, क्या थे भैया, मानद अध्यक्ष, नोट कर लीजिए, अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ के मानद अध्यक्ष थे, उनको उस पद से क्या कर दिया है, हटा दिया गया है। मतलब अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ, ये आज के अखबार से नोट कर लो, आगे की परीक्षाओं में काम आएगा। अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ ने अपने जो मानद अध्यक्ष का पद दिया था व्लादिमीर पुतिन को, उस पद से उनको क्या कर दिया है, बर्खास्त कर दिया है, हटा दिया है कि भैया आप किसी का अध्यक्ष आप नहीं रहेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आइए, आगे आओ। अगला करंट पूछा जाए कि हाल ही में किस संस्था के मानद अध्यक्ष से पुतिन को हटाया गया है, तो आंसर क्या दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय जूडो महासंघ। आगे आइए, म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक नेता आंग सांग सू की, म्यांमार में लोकतंत्र और भारत की समर्थक दोनों, म्यांमार की जो नेता है आंग सांग सू की, ये कभी चीन का सपोर्ट नहीं करती, लेकिन म्यांमार में जो सैनिक शासन है वो हमेशा चीन के फेवर में होता है। तभी वर्तमान में म्यांमार में सैनिक शासन तो नहीं है, लेकिन सैनिकों के नेतृत्व वाला ही शासन है। तो भैया आंग सान सू की जो लोकतंत्र समर्थक नेता हैं, उन्हें कोरोना से संबंधित प्रतिबंधों के उल्लंघन के मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा दी गई है। समझ सकते हैं कि इनको कभी वो जेल से बाहर आने देना चाहता ही नहीं है, म्यांमार चाहता है कि हमेशा जेल में रहें। अगर ये बर्मा के, म्यांमार के राष्ट्रपति बन जाती हैं तो भारत के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि ये भारत की समर्थक हैं, और सबसे बड़ी बात, म्यांमार पड़ता है साउथ ईस्ट एशिया में, वो आसियान का मेंबर है। भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, लुक ईस्ट पॉलिसी मनमोहन सिंह लाए थे, नरसिम्हा राव की सरकार में आया था, लेकिन जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो मोदी जी की सरकार में लाया गया है। लुक ईस्ट पॉलिसी को बदल दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, नोट कर लीजिए, लुक ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत नरसिम्हा राव जी ने किया था, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट को हटाकर किसने लाया है, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने।
तो भैया अब नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया के साथ संबंध सुधारने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत मोदी जी ने किया है। उसके तहत अगर आंग सांग सू की बन जाती है म्यांमार के राष्ट्रपति, तो हमारा साउथ ईस्ट एशिया में पकड़ और बढ़त दोनों बन जाएगा। लेकिन वहां की सेना चाहती ही नहीं कि कभी सत्ता में आए, तो बहाना बना बना के कभी इनको हाउस अरेस्ट किया जाता है, तो कभी इनको जेल में डाल दिया जाता है। आंग सांग सू की 4 साल का जेल हुआ है कोरोना जैसे प्रतिबंध का उल्लंघन करने में, जहां पर 2 महीने के जेल भी नहीं होना चाहिए वहां 4 साल का जेल कर दिया। देखिए सामने इनका चित्र है, इन्होंने पढ़ाई किया था भारत में। आंग सांग सू की दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ी हैं, इसलिए थोड़ा भारत से इनका संबंध अच्छा रहा है। नेक्स्ट आइए, मैक्स ओपन, यहां पर ये नहीं होगा, मैक्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट में स्पेन के राफेल नडाल ब्रिटेन के कैमरून नूरी को हराकर जीत लिए हैं। यह इनका 91वां जीत है। स्पेन के राफेल नडाल टेनिस खिलाड़ी, स्पेन के राफेल नडाल ने ब्रिटेन के कैमरून नूरी को हराकर मैक्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। और ये एक महान खिलाड़ी हैं, इनका ये 91वां, सोच लीजिए 91वां जीत है। टेनिस गेम में टोटल जितने भी टूर्नामेंट होते हैं सबको मिलाकर इनका कैवा जीत है, 91वां जीत है। मैक्स ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? राफेल नडाल। किसको हराकर? ब्रिटेन के कैमरून नूरी। आपसे ऐसे भी सवाल आ सकता है कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी कैमरून नूरी किस देश के हैं? तो आंसर होगा ब्रिटेन के। राफेल नडाल किस देश के हैं? तो स्पेन के। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। नेक्स्ट आइए, अगला आइए भैया, HCL से संबंधित रोशनी नडार भारत के 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं। फोर्ब्स इंडिया, नोट कर लीजिए, फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार रोशनी नडार, HCL से जुड़ी हुई रोशनी नडार भारत की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं। रोशनी नडार 100 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल। देखो सामने रोशनी नडार का चित्र है, इन्होंने, इनको मिला है टॉप 100 में स्थान फोर्ब्स मैगजीन की तरफ से, नोट कर लीजिए। आगे आते हम लोग, नेक्स्ट आइए, कैथरीन रसेल, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, कैथरीन रसेल, इनको यूनिसेफ के प्रमुख नियुक्त किया गया है, यूनिसेफ के चीफ, बच्चों से जुड़ी हुई संस्था। कैथरीन रसेल को बच्चों से जुड़ी हुई एजेंसी यूनिसेफ का प्रमुख बनाया गया है। वर्तमान में यूनिसेफ के प्रमुख कौन है? कैथरीन रसेल, नोट कर लीजिए। वर्तमान में यूनिसेफ के प्रमुख कौन है जी? कैथरीन रसेल, ये अमेरिका की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली है भैया? अमेरिका की। बच्चों से जुड़ी हुई, पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था है जो बच्चों के कल्याण से जुड़ा हुआ है? तो आंसर क्या होगा? यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों के कल्याण से जुड़ा है। इस संस्था की अध्यक्ष कैथरीन रसेल को बनाया गया है, जिनका संबंध अमेरिका से है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आ जाओ मेरे भाई, सियोमारा कास्त्रो, ये मध्य अमेरिकी देश होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। होंडुरास मध्य अमेरिकी देश है, मिडिल अमेरिका का देश है होंडुरास, नोट कर लीजिए, होंडुरास मध्य अमेरिका का देश है। यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कोस्त्रो का चित्र सामने दिया गया है, देख लीजिए, सियोमारा कोस्त्रो होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। और होंडुरास मध्य अमेरिका का देश है, नोट कर लीजिए, मध्य अमेरिका का देश है। और मध्य अमेरिका में कौन सी सभ्यता थी? नोट कर लीजिए, माया सभ्यता। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि हल्ला हुआ था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, ये किसके अनुसार? माया कैलेंडर के अनुसार। 2012 में सुने थे ना कि दुनिया खत्म होने वाला है, ये माया कैलेंडर के अनुसार बताया गया था। तो मध्य अमेरिका में माया सभ्यता, और वहां एक देश है होंडुरास, जहां के सियोमारा कास्त्रो क्या बनी है भैया? सियोमारा कास्त्रो क्या बनी है? ये बनी है उस देश की पहली महिला राष्ट्रपति, सियोमारा कास्त्रो होंडुरास की राष्ट्रपति। अभी गीता गोपीनाथ, देखो भाई, गीता गोपीनाथ
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक के पद पर इनका प्रमोशन हुआ है। पहले तो क्या थी, पहले ये थी आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री, पहले ये थी आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री, अब नहीं है। अब कौन, अब इनको मुख्य अर्थशास्त्री के पद से हटाकर उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है। गीता गोपीनाथ नाम है, तुम याद कर लो गीता गोपीनाथ। देखो सामने में इनका चित्र दिया गया है, गीता गोपीनाथ पहले ये आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री थी, चीफ इकोनॉमिस्ट थी, वर्तमान में ये उप प्रबंध निदेशक, वाइस मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ की कौन बनाई गई है, गीता गोपीनाथ। इससे पहले क्या थी वो आईएमएफ में मुख्य अर्थशास्त्री। आईएमएफ में टोटल मेंबर कितने हैं, 190। आईएमएफ में टोटल कितने सदस्य हैं भैया, 190। आईएमएफ में का हेडक्वार्टर कहां है, वाशिंगटन डीसी। और आईएमएफ का मुद्रा, आईएमएफ की करेंसी क्या है, एसडीआर, नोट कर लीजिए, आईएमएफ की करेंसी है एसडीआर। गीता गोपीनाथ, हाँ बिल्कुल इंडिया की है, गीता गोपीनाथ भारत की है और ये बनी है क्या, उप प्रबंध निदेशक आईएमएफ की। इससे पहले क्या थी, मुख्य अर्थशास्त्री, आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट। और आईएमएफ में टोटल 190 मेंबर, आईएमएफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, इसके करेंसी का नाम क्या है, एसडीआर, नोट कर लीजिए, बेहतर, इससे बेहतर कुछ होने वाला नहीं है। अभी चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं, चीन की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई हैं वांग यापिंग, नोट कर लीजिए, ये वांग यापिंग का चित्र है, चीन की पहली महिला एस्ट्रोनॉट पूछा जाए तो हाल ही में कौन बन गई हैं, वांग यापिंग चीन की पहली महिला एस्ट्रोनॉट हैं, चीन की पहली महिला एस्ट्रोनॉट वांग यापिंग हैं, नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है भैया अदिति महेश्वरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर क्या बनाया गया, एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनाया गया, अदिति महेश्वरी नाम नोट कर लीजिए, अदिति महेश्वरी को एक दिन के लिए क्या बनाया गया, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त अदिति महेश्वरी को बनाया गया, नोट कर लीजिए जल्दी से, एक दिन के लिए बनाया गया। आपको बता दें कि भारत कॉमनवेल्थ का मेंबर है। कॉमनवेल्थ में कितने मेंबर है भैया, कॉमनवेल्थ में 53 मेंबर हैं। कॉमनवेल्थ में कितने मेंबर हैं, 53 मेंबर हैं। कॉमनवेल्थ में कितने मेंबर हैं भाई, 53 मेंबर, नोट कर लीजिए। और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को क्या मनाते हैं जी, 11 अक्टूबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अदिति महेश्वरी को क्या बनाया गया ब्रिटेन की तरफ से भारत में हाई कमिश्नर। और कॉमनवेल्थ में कितने मेंबर हैं भैया, 53। और बता दें कि अगर कोई देश का व्यक्ति प्रतिनिधि बनकर दूसरे देश में जाता है तो उसे राजदूत बोलते हैं, उसे एम्बेसडर बोलते हैं, लेकिन अगर ये 53 देश में अगर कोई व्यक्ति जाएगा प्रतिनिधि बनके तो उसे एम्बेसडर नहीं बोलेंगे बल्कि उसे उच्चायुक्त बोलते हैं, उसे हाई कमिश्नर बोलते हैं। समझ में आ गया बात, है तो ये भी राजदूत ही। किसी देश में अगर कोई देश का रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो उसे एम्बेसडर बोलते हैं, लेकिन कॉमनवेल्थ कंट्री में एक दूसरे के यहां जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव तो उसे कहा जाता है उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर। तो चूंकि ब्रिटेन कॉमनवेल्थ का मेंबर है, भारत भी कॉमनवेल्थ का मेंबर है, तो क्या कहा गया, भारत में ब्रिटेन की तरफ से हाई कमिश्नर अदिति महेश्वरी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, नोट कर लो, इसके अवसर पर क्या किया गया, इसके अवसर पर एक दिन के लिए हाई कमिश्नर बनाया गया। देखो सामने अदिति महेश्वरी का पिक है, नोट कर लेना। नेक्स्ट आओ अगला, भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता अनीता आनंद को कनाडा में क्या बनाया गया है,
रक्षा मंत्री, कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है अनीता आनंद को, कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर अनीता आनंद को, कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है। अनीता आनंद भारतीय मूल की हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कनाडा की राजनेता हैं, इन्हें कनाडा के रक्षा मंत्री बनाया गया है। और कनाडा के प्रधानमंत्री आप बताओगे, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। और हाल ही में कनाडा में आपातकाल लगाया गया है, हाल ही में कनाडा में इमरजेंसी लगाया गया है, इसको भी नोट कर लेना। अनीता आनंद क्या बनी है? कनाडा के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। सामने अनीता आनंद जी का पिक है, देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए भैया, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। अभी गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नीमाबेन आचार्य, बीजेपी की नेता नीमाबेन आचार्य, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ विधायक, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर। नोट कर लीजिए, नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है, भारत की पहली महिला स्पीकर, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर। कौन भैया? मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला स्पीकर, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और भारत के लोकसभा के पहली महिला स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार। मीरा कुमार जी को क्या बनाया गया है? ये बिहार में सासाराम से सांसद का चुनाव जीतती है। कौन? मीरा कुमार, स्वर्गीय जगजीवन राम की सुपुत्री है, जगजीवन राम की सुपुत्री है मीरा कुमार। और मीरा कुमार IFS भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी भी रह चुकी हैं, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी जगजीवन राम, भारत के श्रम मंत्री जगजीवन राम, स्वर्गीय जगजीवन राम की सुपुत्री है मीरा कुमार। ये लोकसभा की पहली महिला क्या है भैया? स्पीकर। अब गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर नीमाबेन आचार्य बनी है, नोट कर लीजिए। अब बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी। अब पूरे भारत की किसी राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, पूरे भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, पूरे भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, पूरे भारत में पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। इन सारी बातों को नोट कर लेना भाई, इन सारी बातों को नोट कर लेना। आगे आ जाते हैं, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, हमने हमेशा चर्चा किया है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक संग्रहालय बनाया गया है, किस लिए भैया? आदिवासियों की संस्कृति से आने वाले पर्यटकों को परिचय दिलाने के लिए। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जो पर्यटक आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, उनको आदिवासियों के कल्चर की जानकारी हो, उसके लिए बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। कहां है भैया? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक म्यूजियम बनाया गया है आदिवासियों की संस्कृति, कल्चर जो है आदिवासी का, उनसे टूरिस्ट यानी जो पर्यटक आएंगे उनको आदिवासियों के बारे में बताने के लिए बांधवगढ़ में क्या बनाया गया है? संग्रहालय। एक बात और सुन लो, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जहां जहां हॉट एयर बैलून सफारी लगाया गया है। नोट कर लो, हॉट एयर बैलून सफारी, बांधवगढ़ पहला टाइगर रिजर्व है जहां हॉट एयर बैलून सफारी का उद्घाटन किया गया है। हॉट एयर बैलून सफारी का उद्घाटन कहां किया गया है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। भी नोट कर लो, हॉट एयर बैलून सफारी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, पहला भारत का, एमपी का नहीं, पूरे भारत का पहला टाइगर रिजर्व है बांधवगढ़, जहां पर हॉट एयर बैलून सफारी लगाया गया है और वहीं पर एक संग्रहालय, एक म्यूजियम बनाया गया है आदिवासियों की संस्कृति से लोगों को परिचित कराने के लिए। और कल पढ़ाया था मैंने कि अब नामीबिया से हमारे देश में चीता आएगा, नामीबिया से हमारे देश में क्या आएगा जी? चीता आएगा। और उसे कहां रखा जाएगा? मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में जो नामीबिया से चीता मंगवाया जा रहा है उसे रखा जाएगा, ये भी मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आइए, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व हॉट एयर बैलून सफारी लगाने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। हाल ही में
रेल मंत्रालय, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन हैं? अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की है। भारत के पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक ट्रेन की शुरुआत की है जिसका नाम है भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत की गई, देखो सामने भारत गौरव ट्रेन का मैंने चित्र लगा दिया है। भारत गौरव ट्रेन किस लिए? भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए, भारत के टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत रेल मंत्रालय ने किया है, नोट कर लीजिएगा। और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। आगे आ जाइए, ये भी अगला न्यूज ट्रेन से ही है। 7 नवंबर 2021, 7 नवंबर हमने कहा है भाई कि पिछला जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का करंट कंप्लीट कराएंगे और बिहार स्पेशल जो चल रहा है हम लोगों का MCQ वो अब डेली चलेगा। हमारा टारगेट है 1000 प्रश्न आपको करा देंगे BPSC PT से पहले। तो लगातार सेशन के साथ जुड़े रहो, अब कभी गैप नहीं करना है, लगातार वेट करते रहो सेशन का और सेशन से जुड़ते रहो और उसका नोट्स बनाते रहो। चलो भैया, 7 नवंबर 2021 को रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत की गई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से, दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। और 17 दिन की पूरा यात्रा कितने दिन में कवर करेगी? 17 दिन में। इसका रामायण सर्किट नाम क्यों दिया गया? इसका नाम रामायण सर्किट क्यों दिया गया? क्योंकि क्योंकि भगवान राम जहां जहां गए हैं, भगवान राम जहां जहां गए हैं, जहां जहां भगवान राम का अवशेष है उस जगह पर एक ट्रेन यात्रा करेगी। भगवान राम से जुड़े हुए स्थलों पर एक ट्रेन जाएगी, इसीलिए नाम इसका रखा गया रामायण सर्किट ट्रेन। रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत सफदरजंग रेलवे स्टेशन से की गई, 17 दिन में पूरा करेगा अपनी यात्रा। और कहां कहां जाएगा जरा देख लिया जाए, कहां कहां जाएगा मेरे भाई? तो ये जाएगा अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, बक्सर। तो बिहार में कितने जगह भैया? 3 जगह, ये जरूर याद कर लो बिहार स्पेशल। जो भी रेल मंत्रालय ने रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत की है, रेल मंत्रालय ने जो रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत की है, तो बिहार स्पेशल के लिए नोट कर लो, बिहार के तीन जिले से होकर गुजरेगी। कौन? रामायण सर्किट ट्रेन, दरभंगा, सीतामढ़ी और बक्सर। दरभंगा, सीतामढ़ी और बक्सर, वैसे कहां कहां जाएगी? अयोध्या, श्रृंगवेरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, बक्सर, ये 3 तो आप याद करेंगे ही। चित्रकूट, जगदलपुर, नंदीग्राम, महेंद्रगिरी, भद्राचलम, रामेश्वरम, हम्पी और नासिक और नागपुर, ये सारे जगह से भगवान राम का संबंध रहा है। इन सभी जगहों पर 17 दिन में यात्रा कंप्लीट करेगी रामायण सर्किट ट्रेन। अब बिहार के 3 जिले दरभंगा, सीतामढ़ी और बक्सर। बक्सर में ही भगवान राम ने ताड़का बध किया था, सीतामढ़ी तो ससुराले है। चलिए, सीतामढ़ी दरभंगा तो ससुराल का है। देखो सामने में रामायण सर्किट ट्रेन का लग्जरियस रूप दिखा दिया, अगर आपको कभी जाना हो, यात्रा करना हो तो देख लीजिए, यह रामायण सर्किट ट्रेन है। नेक्स्ट आते भैया, आगे आ जाओ। 1 जनवरी 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने पढ़े भारत 100 दिन का, 100 दिन के लिए पढ़े भारत नामक अभियान की शुरुआत की है। कितने दिन का भैया? 100 दिन के पठन पाठन अभियान की शुरुआत किया है शिक्षा मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य है छात्रों में सीखने के स्तर में सुधार लाना और इस अभियान के तहत बाल वाटिका में कक्षा 8 तक के पढ़ने वाले बच्चों को शामिल किया जाएगा। कक्षा 8 तक के बच्चों को पूछा जाए कि पढ़े भारत अभियान में कितने तक के बच्चों को, कितने क्लास तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा पढ़े भारत में, तो बोलिए कि 8 तक, यानी क्लास 8 तक के विद्यार्थी शामिल होंगे। कितने दिन का प्रोग्राम होगा? 100 दिन का। उद्देश्य क्या होगा? तो सीखने के स्तर में सुधार लाना, सीखने का जो लेवल है, जो बच्चे सीखते हैं उसको और बेहतर कैसे सीखे, उसके लिए लाया गया है। सीखने के लेवल को बढ़ाने के लिए 100 दिन का एक प्रोग्राम चलाया गया पढ़े भारत। कितने क्लास तक के बच्चे इसमें शामिल होंगे? क्लास 8 तक का। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं।
धर्मेंद्र प्रधान है, नोट कर लीजिए, भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, पढ़े भारत। और याद रखो शिक्षा मंत्रालय 2020 तक इसका नाम क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय का नाम 2020 तक था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन अब इसका नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है भैया, कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट आइए, नवंबर 2021 में नीति आयोग ने भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। भारत के बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये जारी किया है नीति आयोग ने। बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, ये भी क्वेश्चन आएगा। भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक मल्टीलेटरल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टीलेटरल पॉवर्टी इंडेक्स कौन जारी करता है, नीति आयोग। और इसमें प्रथम स्थान पर सबसे कम गरीबी वाला राज्य कौन है, केरल। सबसे कम गरीबी वाला राज्य कौन है, केरल। दूसरा सबसे कम गरीब राज्य कौन है भैया, गोवा। और तीसरा सबसे कम गरीब कौन है भैया, सिक्किम। और इसमें सबसे ज्यादा गरीब कौन है भैया, बिहार। अपना बिहार सबसे ज्यादा बाहर वाला राज्य है। आज बिहार का बजट पेश हो गया, कल मैं आपसे बजट चर्चा करूंगा, सभी लोग जुड़े रहना, कल का क्लास जरूर करना। कल मैं बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे डिटेल में कराऊंगा, इसलिए जुड़े रहो और कल जरूर जुड़ना। भैया बहुआयामी गरीबी सूचकांक कौन जारी करता है, नीति आयोग। उसमें टॉप पे कौन है, केरल। सेकंड पे कौन है, सबसे कम गरीब केरल, उससे कम गरीब, उससे ज्यादा गोवा, उससे ज्यादा सिक्किम, और सबसे ज्यादा गरीब बिहार है। नोट कर लीजिएगा, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन, ध्यान रखो 64वीं बीपीएससी में इंस्टीट्यूट भी एक ऑप्शन में था, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। घबराना मत, घबराना मत, 64वीं बीपीएससी में पूछा था नीति का फुल फॉर्म। एक जगह दिया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और एक जगह दिया था नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति का फुल फॉर्म होगा। इसकी स्थापना योजना आयोग को हटाकर, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, इन दोनों को हटाकर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई, जिसके वर्तमान में सीईओ अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत सीईओ, नीति आयोग के सीईओ नोट कर लो अमिताभ कांत, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, और नीति आयोग के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री मोदी। जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होगा नीति आयोग का अध्यक्ष वही होगा, ये प्रोविजन है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी, उपाध्यक्ष राजीव कुमार, और सीईओ अमिताभ कांत। नोट कर लो मेरे भाई, बहुआयामी गरीबी में बिहार सबसे पिछड़ा। नेक्स्ट आइए, अटल नवाचार संस्थान, ये भी किसके तहत है भाई, नीति आयोग के अकॉर्डिंग ही। अटल नवाचार संस्थान भी काम करता है नीति आयोग के अंदर ही काम करता है भैया। तो देखो अटल नवाचार संस्थान द्वारा जारी अटल रैंकिंग, ये विश्वविद्यालय का, संस्थान का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रैंक जारी होता है। अटल नवाचार संस्थान क्या जारी करती है, अटल रैंकिंग। किनका, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का रैंकिंग कौन जारी करता है, अटल नवाचार संस्थान। इसमें आईआईटी मद्रास पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर कौन है जी, आईआईटी मद्रास। दूसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे, और तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर आईआईटी, यहां छूट गया है, आईआईटी दिल्ली। नोट कर लीजिए, अटल रैंकिंग में, अटल नवाचार संस्थान द्वारा जारी अटल रैंकिंग में भाई पहले स्थान पर आईआईटी मद्रास, दूसरे स्थान पर आईआईटी बॉम्बे, और तीसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली। और विश्वविद्यालय के रैंकिंग में पहले स्थान पर पंजाब विश्वविद्यालय। यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पर कौन है भैया, पंजाब यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पर है पंजाब यूनिवर्सिटी, और टेक्नोलॉजी वाले में आईआईटी मद्रास पहला, आईआईटी बॉम्बे दूसरा, आईआईटी दिल्ली तीसरा, और यूनिवर्सिटी वाले में पंजाब विश्वविद्यालय। नोट कर लीजिए, आगे आता हूं मेरे भाई, लगातार जुड़े रहो, लगे रहो, सेशन बढ़िया लग रहा है। तो सभी लोग जिनको अच्छा लग रहा है बगल में लाइक बटन दबा दो। चलो भाई नेक्स्ट, हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्रालय ने विद्यांजलि योजना को नया रूप दिया है। मैं बता दूं, जब भारत के शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी थी, हमारे देश की बीजेपी की सबसे महान नेता,
स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी जब भारत के शिक्षा मंत्री थी उस समय उन्होंने क्या लाया था, विद्यांजलि योजना, लेकिन वो लाया गया था सिर्फ प्राथमिक शिक्षा के लिए। प्राथमिक शिक्षा के लिए लाया गया था विद्यांजलि योजना पहले, लेकिन अब इसका नया रूप दिया गया और इसमें उच्च शिक्षा को भी शामिल किया गया। नोट कर लीजिए भाई, विद्यांजलि योजना किस लिए लाया गया, प्राथमिक शिक्षा के लिए, लेकिन अब इसमें उच्च शिक्षा शामिल किया गया। किया क्या जाएगा इसके तहत, इसके तहत किया जाएगा भाई, नोट कर लीजिए, आम आदमी जो सरकार का आदमी नहीं है, आम आदमी अगर चाहता है स्कूल में पढ़ाना, स्कूल के लिए जमीन देना, स्कूल के लिए पैसा देना, तो उसको डोनेशन दे सकता है विद्यांजलि योजना के तहत। तो चाहे तो स्कूल में अगर लगता है कि मेरे पास ज्यादा पैसा हो गया 20-25 करोड़, तो 2-4 करोड़ अगर स्कूल देना, स्कूल में दान देना चाहते तो आप दे सकते हैं। यानी आम आदमी को स्कूल में योगदान देने के लिए विद्यांजलि योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत आम आदमी चाहे, अगर उसे लगता है कि मैं क्वालिटी वाला हूं, तो जाकर फ्री में, पैसा लेके नहीं, स्कूल में पढ़ा सकता है, स्कूल को जमीन दे सकता है, स्कूल बनवा सकता है। इसी योजना को बोलते हैं विद्यांजलि योजना। पहले प्राथमिक शिक्षा में ऐसा था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, उच्च शिक्षा में भी कर दिया गया। बड़ी चालू सरकार है, बड़ी चालू सरकार कि आम आदमी पैसा ज्यादा है तो स्कूल बनवाइए, पढ़ाना हो तो फ्री में आके पढ़ाइए। तब विद्यांजलि योजना स्कूलों में, देखिए सामने स्मृति ईरानी का मैं चित्र इसलिए दिया हूं, वर्तमान में शिक्षा मंत्री नहीं है, वर्तमान के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। उस समय की शिक्षा मंत्री कौन थी, स्मृति जुबीन ईरानी, स्मृति ईरानी जी थी। मैं तुलसी सास भी कभी बहू थी, चलिए मिस इंडिया रेस में दूसरे स्थान पर रही थी, 1997 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में रनर अप रही थी स्मृति ईरानी, बीजेपी के भी कद्दावर नेता माने जाती हैं। आगे आओ, बहुत इंपॉर्टेंट, 3 लाख की आबादी वाले, मात्र 3 लाख, हमारे यहां तो छोटे छोटे शहरों की आबादी 3 लाख हो जाता है जी, ये पूरे देश की आबादी 3 लाख है। 3 लाख की आबादी वाले कैरेबियाई देश बर्बाडोस ने क्या कर दिया, ब्रिटेन के महारानी को हटा दिया। अभी कई ऐसे देश हैं जिनको ब्रिटेन से आजादी मिली, लेकिन आज भी अपने राष्ट्र के प्रमुख किनको मानता है, वो ब्रिटेन की महारानी को। कनाडा भी अभी तक कनाडा में जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, ब्रिटेन की महारानी। मतलब ब्रिटेन गया उस देश को आजाद करके, फिर भी अभी तक महारानी को सम्मान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई, अभी देखे कि साउथ अफ्रीका में महारानी पर कालिख पोत दिया, सब उनकी मूर्ति तोड़ के गिरा दिया। भैया सुन लो, अभी बर्बाडोस ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को राष्ट्राध्यक्ष के पद से क्या कर दिया, हटा दिया और अपने देश को संसदीय गणतंत्र में बदल दिया। और आप जानते हैं गणतंत्र देश उस देश को कहा जाता है जिसका राष्ट्राध्यक्ष चुना हुआ हो, जिस देश का प्रमुख यानी राष्ट्रपति चुना हुआ रहता है उसे को हम बोलते हैं गणतंत्र देश। तो भैया बर्बाडोस में प्रधानमंत्री का तो पद होता था, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में कोई नहीं होता था, वो ब्रिटेन की महारानी होती थी। तो हाल ही में बर्बाडोस ने क्या किया है, अपने देश में जो राष्ट्राध्यक्ष के पद पर थी महारानी एलिजाबेथ, इनको पद से हटाकर इनको क्या कर दिया है, अपने देश में राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया है। और बर्बाडोस 55वां देश बन गया, बर्बाडोस क्या बन गया जी, 55वां गणतंत्र बन गया। नोट कर लीजिए बर्बाडोस, बर्बाडोस का मैंने एक मैप दे दिया है, देख लीजिए सामने में बर्बाडोस है, देखो सामने में एक कैरेबियन सागर में वेस्ट इंडीज के पास एक देश है जिसका नाम है बर्बाडोस। तो बर्बाडोस ने क्या किया है, ब्रिटेन के महारानी को उनके पद से हटाकर अपने देश को गणतंत्र घोषित किया है। और गणतंत्र घोषित करने वाला दुनिया का कौन सा देश है, 55वां देश, नोट कर लीजिएगा। बर्बाडोस 3 लाख की जनसंख्या वाला देश है और अपने देश को गणतंत्र घोषित करने वाला दुनिया का 55वां देश बन गया, जल्दी से नोट कर लो। आगे आते भैया G20 समूह की बैठक, G20 समूह की बैठक अक्टूबर 2021 में कहां हुआ है, इटली के शहर रोम में, इटली की राजधानी भी है रोम, रोम टाइबर नदी के किनारे है, नोट कर लो, रोम टाइबर नदी के किनारे है। तो इटली की राजधानी रोम में G20 की बैठक की गई है जिसकी अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी, ये भी नोट कर लो, इटली के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, मारियो ड्रैगी, इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी
मारियो ड्रैगी के द्वारा G20 समूह के बैठक की क्या की गई है अध्यक्षता, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2023 में G20 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 2023 में G20 की मेजबानी कौन करने जा रहा है? भारत। 2023 में G20 की मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होने वाला है 2023 में। और 2021 में कहां हुआ है मेरे भाई? इटली की राजधानी रोम में। जिस देश में होता है मीटिंग, उस देश के प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होते हैं। तो G20 की अध्यक्षता किसने की? इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी। और नोट कर लो, G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। G20 का एस्टेब्लिशमेंट 1999 में। 2023 में G20 की मीटिंग इंडिया में, 21 में इटली की राजधानी रोम में। और रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। नोट कर लीजिए, G20 में टोटल कितने देश? 19, और एक यूरोपियन यूनियन, कंप्लीट यूरोपियन यूनियन 27 देश को लेकर शामिल है। यानी कि G20 में कितने देश? 19 कंट्री और एक ग्रुप जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। इस सब को मिलाकर बोलते हैं G20, 19 कंट्री और प्लस 1 यूरोपियन यूनियन। टोटल मिला के कितने हो गए? 19 देश। टोटल 19 देश और प्लस एक यूरोपियन यूनियन, कितने हो गए? 20। इसलिए इसका नाम है G20। G20 की अध्यक्षता भारत करेगा 2023 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अभी एक आंकड़ा जारी किया है, रिजर्व बैंक ने एक आंकड़ा जारी किया है, उसके अनुसार कहा है कि भारत का सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग राज्य कौन है? गुजरात। भारत का विनिर्माण के मामले में, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पहला स्थान किसका है? गुजरात का। और होना भी चाहिए, मोदी जी सब वाइब्रेंट गुजरात, और पता नहीं कौन कौन वाइब्रेंट, सब वाइब्रेंट कहां करवाते हैं? गुजरात में। सारा निवेश सम्मेलन, इन्वेस्टमेंट समिट, सब विकास कहां होता है? गुजरात में। यूपी बिहार में भी होता है, लेकिन जितना प्यार मोदी जी को गुजरात से है, जितने प्रकार का उद्योगपतियों का सम्मेलन गुजरात में होता है, उतना बिहार यूपी में नहीं होता। यहां मोदी जी मंदिर बना दिए बहुत है। गुजरात में होता अस्पताल का निर्माण, गुजरात में होता बिजली का निर्माण, सोलर पार्क का निर्माण, अस्पताल का निर्माण, और बिहार यूपी में होता मंदिर का निर्माण। सोचिए कितना बेवकूफ बनाए जा रहे हैं हम लोग। वहां अस्पताल सही रखने के लिए गुजरात में बढ़िया बढ़िया अस्पताल, पढ़ने के बदले बढ़िया बढ़िया यूनिवर्सिटी, और सोलर पार्क, और बिहार यूपी में मंदिर, इसी नाम पे जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे होता है यहाँ। भैया कितने बेवकूफ पना कर रहे हैं हम लोग। खैर, मैं किसी का प्रचारक या दुष्प्रचारक नहीं हूं, एक बात मैं ऐसे ही बता रहा था, इसको दिल पे मत लीजिएगा कोई। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। गुजरात, गुजरात जो है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में किस नंबर पे है भैया? फर्स्ट नंबर पे आ गया है। होना चाहिए था बिहार को भी, होना चाहिए था यूपी को भी। आज बिहार सबसे गरीब राज्य है, क्यों? बिहार सबसे शिक्षित राज्य है, क्यों? हम मोदी जी को दोष नहीं दे रहे हैं। उन आजादी के बाद से जितने लोग प्रधानमंत्री बने, जितने लोग मुख्यमंत्री बने, बेचारे अकेले मोदी जी दोषी नहीं है, वो सभी राजनेता दोषी हैं जिन्होंने कुछ क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया। मोदी जी तो खैर सबसे बेहतर प्रधानमंत्री हैं, वो तो काफी कुछ कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन बाकी प्रधानमंत्रियों का, बाकी मुख्यमंत्रियों का भी काफी योगदान है। ऐसा मत कहिए कि कांग्रेस बहुत ठीक था, बीजेपी खैर सब लिए दिए बराबर है, चोर चोर मौसेरे भाई, ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मध्य अमेरिका का देश पुराना करंट है, लेकिन बहुत ही मार्वेलस और इंपॉर्टेंट करंट है। मध्य अमेरिका का देश अल सल्वाडोर बिटकॉइन को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? अल सल्वाडोर, जिसकी राजधानी है सान सल्वाडोर। कहा है भैया? सान सल्वाडोर, देखो सामने, यही अल सल्वाडोर है। अल सल्वाडोर देख रहे हो ना, अल सल्वाडोर, मध्य अमेरिका का देश अल सल्वाडोर। सामने मैप दे दिया हूं, अल सल्वाडोर बिटकॉइन को अपनाने वाला, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया, और अल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर। नोट कर लीजिएगा, सामने देखो, ये होंडुरास है, बगल में ग्वाटेमाला है, यहां पर निकारागुआ है, फिर पनामा है, ये पनामा, और यहां पर पनामा नहर है जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ये कोलंबिया है, ये वेनेजुएला है। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका में है, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में है, और पनामा कोस्टा रिका,
पनामा, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका, मैक्सिको, ये सब मिडिल अमेरिका के देश हैं, नोट कर लीजिएगा, मध्य अमेरिका। नेक्स्ट आओ, दिसंबर 2021 में पेटीएम पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया आरबीआई के द्वारा। पेटीएम पेमेंट बैंक को दिसंबर 2021 में क्या दिया गया है भाई? अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा। क्वेश्चन आ जाएगा कि दिसंबर 2021 में पेटीएम पेमेंट बैंक को क्या दिया गया है? शेड्यूल बैंक का दर्जा। किसके तहत? रिजर्व बैंक एक्ट 1934 के तहत, रिजर्व बैंक अधिनियम आरबीआई एक्ट 1934, इसी के तहत आरबीआई की स्थापना भी की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, आरबीआई की स्थापना भी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही किया गया था। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है जी? शक्तिकांत दास क्या है भैया? आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुआ। किस अधिनियम के तहत? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत। और इसी अधिनियम के तहत और पेटीएम पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा मिला है। पेटीएम पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा कब मिला? दिसंबर 2021 में। किसने दिया? आरबीआई ने, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और इसी एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुआ। आरबीआई के पहले गवर्नर सर असबोर्न स्मिथ और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख और आरबीआई के पहले गवर्नर सर असबोर्न स्मिथ। हेडक्वार्टर मुंबई। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया? 1949। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949। तो पेमेंट, पेटीएम पेमेंट बैंक को क्या मिला है भैया? अनुसूचित बैंक का दर्जा। आगे आइए, संयुक्त अंतरिक्ष परियोजना जिसका नाम है बेनेरा डी। ये सुनो, इस अंतरिक्ष परियोजना को 3 देशों ने मिलकर शुरू किया था। कौन कौन? अमेरिका, रूस और चीन। अमेरिका, रूस और चीन ने मिलकर शुरू किया था संयुक्त अंतरिक्ष परियोजना। ध्यान दो मेरी बात पर, अभी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जिससे रूस पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए। रूस पर ही नहीं, वहां के राष्ट्रपति पर भी व्यक्तिगत प्रतिबंध लगा दिए गए। तो क्या रूस बैठा रहेगा? रूस द्वारा शुरू किया गया बेनेरा डी नाम का अंतरिक्ष परियोजना, उससे रूस ने भी क्या कर दिया? अमेरिका को बाहर कर दिया। बेनेरा डी परियोजना से नोट कर लो, बेनेरा डी परियोजना जो रूस ने शुरू किया था चीन के साथ मिलकर, उसमें अमेरिका भी था। इसे अमेरिका, अभी हाल ही में अमेरिका ने, कनाडा ने, सब ने प्रतिबंध लगाया है। किस पर? पुतिन के ऊपर, व्लादिमीर पुतिन के ऊपर। तो पुतिन ने बदले की कार्रवाई करते हुए बेनेरा डी से अमेरिका को क्या कर दिया? बाहर कर दिया। अब इस परियोजना को कौन पूरा करेगा? रूस और चीन मिलकर। बेनेरा डी परियोजना से अमेरिका को क्या कर दिया है? रूस ने बाहर कर दिया है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं भाई, आगे आ जाओ। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क, इंपॉर्टेंट है भाई, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क मंडी के भुलाह घाटी में बनाया जा रहा है। मंडी, क्वेश्चन आ जाएगा, भुलाह घाटी कहाँ है? भुलाह घाटी चर्चा में है, इसलिए पूछा जा सकता है किस राज्य में है भुलाह घाटी? तो क्या बोलोगे? हिमाचल प्रदेश में। कौन से जगह पे भैया? मंडी। हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन है मंडी, मंडी में जैव विविधता पार्क बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ बनाया गया? मंडी के भुलाह घाटी में। और याद रखो, हिमाचल प्रदेश में हिल स्टेशन है शिमला, सोलन, मंडी, ये सब हिल स्टेशन के नाम है। डलहौजी नोट कर लो, धर्मशाला, कसौली, कुल्लू, मनाली, चंबा, ये सब क्या है जी? हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन हैं। नोट कर लीजिए, शिमला, सोलन, मंडी, डलहौजी, धर्मशाला, शिमला,
सोलन, मंडी, डलहौजी, धर्मशाला, कसौली, कुल्लू, मनाली, चंबा, ये सब हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हिमाचल प्रदेश में शिमला, सोलन, मंडी, डलहौजी, धर्मशाला, कसौली, कुल्लू, मनाली और चंबा। चंबा के बारे में लिख लो, चंबा को मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, चंबा को मिनी स्विट्जरलैंड, चंबा को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, नोट कर लीजिए, चंबा को मिनी स्विट्जरलैंड। मिनी स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं भैया? चंबा। तो हिमाचल प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क, बायोडायवर्सिटी पार्क कहां बना है? मंडी में। और याद रखो, भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहां है? धर्मशाला में। पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम कहां है? धर्मशाला में, भी नोट कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही पूरे दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। नेक्स्ट आ जाए, अगला करंट, जम्मू कश्मीर का पहला, सुन लो, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला महिला पुलिस स्टेशन, महिला थाना, जम्मू कश्मीर का पहला महिला थाना कहां बनाया गया है? अभी उधमपुर में। जम्मू कश्मीर के पहला महिला थाना कहां बनाया गया है? तो उधमपुर, नोट कर लीजिए, उधमपुर में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य का पहला फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन, पहला महिला थाना जम्मू कश्मीर में कहां स्थापित किया गया है? उधमपुर में। इस थाने का चित्र देख लीजिए भाई, सामने महिला थाना का चित्र है, जम्मू कश्मीर का पहला महिला थाना है, यह उधमपुर में स्थापित किया गया है। और सुन लो, जम्मू कश्मीर का और पूरे भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग यह भी जोड़ता है किसको? उधमपुर को रामबन से, नोट कर लीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। पूरे भारत की, पूरे भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। यह किसको जोड़ता है? उधमपुर, जम्मू कश्मीर के उधमपुर के चेनानी को रामबन जिले के नासरी से जोड़ता है। 9.15 किलोमीटर, भारत के सबसे लंबा सड़क सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। उधमपुर को, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले को जम्मू कश्मीर के ही रामबन जिले से जोड़ता है, चेनानी को नासरी से जोड़ता है। और भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग है, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। नेक्स्ट आ जाइए, रविन्द्रनाथ टैगोर पर एक किताब लिखी गई है, उस किताब का नाम है, उस किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन। किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल एरिया। ये किताब किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता, नोट कर लीजिए, रविंद्रनाथ टैगोर, हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, किसने लिखा है? उमा दास गुप्ता। और सुन लीजिए, शांति निकेतन का नाम सुना होगा आपने, बंगाल में शांति निकेतन, उसी के तर्ज पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन के तर्ज पर क्या बनाया था? श्री निकेतन, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए श्री निकेतन, नोट कर लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के विकास के लिए श्री निकेतन, नोट कर लो। और शांति निकेतन शहरों में, श्री निकेतन किसने बनाया? क्वेश्चन आ जाए कि श्री निकेतन क्या है, तो क्या बोलेंगे? रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांव के लोगों के शिक्षा के विकास के लिए क्या बनाया गया था? श्री निकेतन। उसी पर किताब लिखा है उमादास गुप्ता ने, हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, ये किताब का नाम है जिसको उमादास गुप्ता ने लिखा है। और शांति निकेतन शहरी लोगों के लिए, और श्री निकेतन गांव के लोगों के लिए किसने बनाया था? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव महात्मा गांधी ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान नेशनल एंथम जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सुनार बंगला, इन दोनों की रचना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। आगे आइए, नेक्स्ट, अ नेशन टू प्रोटेक्ट लिव इन इंडिया कोविड क्राइसिस, किताब का नाम है, बुक का नाम है भैया, अ नेशन टू प्रोटेक्ट लिव इन इंडिया
कोविड क्राइसिस, इस किताब को लिखा है प्रियम गांधी, प्रियम गांधी की किताब है। एक क्वेश्चन बुक से आता है, बुक एंड ऑथर किसने लिखा, इससे एक दो सवाल पूछ लिए जाते हैं करंट में। द नेशन टू प्रोटेक्ट लीव इन इंडिया कोविड क्राइसिस, ये किताब लिखा है प्रियम गांधी ने, उस किताब का चित्र मैंने दे दिया है सामने। प्रियम गांधी के इस बुक का मैंने चित्र दे दिया है, अ नेशन टू लीव इन इंडिया कोविड क्राइसिस, इस किताब के लेखक कौन है भैया, प्रियम गांधी। नेक्स्ट आ जाइए, अगले करंट अफेयर पे आते हैं। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है, और 27 फरवरी को कल ही बताया हूं प्रोटीन दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस, उसका थीम क्या था, राइट टू प्रोटीन, कल मैंने बताया है। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस भी कब मनाते हैं, 27 फरवरी को, और 27 फरवरी को एनजीओ दिवस भी मनाया जाता है, विश्व एनजीओ दिवस, नोट कर लीजिए, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाते हैं भैया, वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है, 27 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार इसे 2014 में कहां मनाया गया था, फिनलैंड में, पहली बार वर्ल्ड एनजीओ डे की शुरुआत कहां से हुई थी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। अब फिनलैंड को हजार झीलों का देश भी कहते हैं, कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक किसको बोलते हैं, फिनलैंड को, कंट्री ऑफ थाउजेंड लेक किसको बोलते हैं भैया, फिनलैंड, राजधानी हेलसिंकी। पहली बार वर्ल्ड एनजीओ डे कहां मनाए थे, फिनलैंड में, कब मनाए थे, 2014 में। हर साल 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस और 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाते हैं, नोट कर लीजिए मेरे भाई। आगे आते हैं, नेक्स्ट करंट देखते हैं। अगला पुस्तक है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली, किताब का नाम है भैया, नोट कर लीजिए, पेपल, आपने नाम सुना है ना पेटीएम का, पेटीएम, वैसा ही ऑनलाइन पेमेंट का एक पेपल सिस्टम है। पेपल क्या करता है, पेपल एक एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के लिए जाना जाता है, पेपल डिजिटल पेमेंट का एक एप्लीकेशन है भैया। तो द फाउंडर्स, इसी पेपल के ऊपर किताब लिखी गई है, पेपल के सक्सेस के ऊपर किताब लिखी गई है, द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ किसकी कहानी है भैया, पेपल की कहानी है, एंड द एंटरप्रेन्योर हु सेव्ड सिलिकॉन वैली, किसको बोलते हैं, बेंगलुरु को क्या बोलते हैं जी, गार्डन सिटी और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु। तो किताब का नाम है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर हु सेव्ड सिलिकॉन वैली, इस किताब को लिखा है जिम्मी सोनी, इस किताब को किसने लिखा है, जिम्मी सोनी। यह पुस्तक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली पेपल के ऊपर है, यह जो किताब लिखी गई है किसके ऊपर की गई है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, जैसे आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, नाम सुना है ना भाई, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, वैसे ही पेपल भी है। तो पेपल के ऊपर एक किताब लिखी गई है द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल एंड द एंटरप्रेन्योर्स हु सेव्ड सिलिकॉन वैली, किसने लिखा है, जिमी सोनी। सामने में देखिए एक किताब का लोगो है, जिम्मी सोनी ने इस किताब को लिखा है, पेपल के ऊपर एक किताब है। नेक्स्ट आइए, अभी लचित बोरफुकन एक व्यक्ति का नाम है, एक स्वतंत्रता सेनानी थे लचित बोरफुकन असम राज्य के महान सेनापति थे। इनकी 400वीं जयंती 25 फरवरी 2022 को मनाई गई, इसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। इनके नाम पर 150 फुट ऊंची युद्ध स्मारक और कांस्य प्रतिमा बनाया गया है। असम में लचित बोरफुकन, याद कर लीजिए, लचित बोरफुकन का संबंध किससे है, लचित बोरफुकन एक व्यक्ति थे, असम के एक महान सेनापति थे, जिनका 400वीं जयंती मनाया गया है। इसका उद्घाटन प्रधान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया। इस अवसर पर 150 फीट ऊंचा युद्ध स्मारक और कांस्य प्रतिमा को क्या किया गया है, अनावरण किया गया है। किनके नाम पर,
लचित बोर फुकन के नाम पर। लचित बोर फुकन का संबंध किस राज्य से है? असम से है। सामने देखिए इनका चित्र दिया गया है, लचित बोर फुकन, ये असम राज्य जो जिसका पुराना नाम था अहोम। असम का पुराना नाम क्या है जी? अहोम राज्य। अहोम राज्य के एक महान सेनापति थे लचित बोर फुकन। इनकी 400वीं जयंती मनाया गया। इस अवसर पर इनका 150 फीट ऊंचा प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है। नेक्स्ट आइए, 26 फरवरी को विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई गई है। विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? 26 फरवरी को। विनायक दामोदर सावरकर के बारे में जान जाइए। विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं। विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला की स्थापना की तथा 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की। इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था। विनायक दामोदर सावरकर महाराष्ट्र के नासिक जिले में जन्म हुआ और इन्होंने 1899 में मित्र मेला बनाया, 1899 में मित्र मेला का नाम का संगठन बनाया और 1904 में इन्होंने अभिनव भारत बनाई। इनका जन्म नासिक में हुआ था और इन्होंने ही 1909 में इंग्लैंड से पिस्तौल भेजा था। किसको मारने के लिए? नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन को मारने के लिए। नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन को मारा था अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक के मजिस्ट्रेट जैक्सन को मार दिया था 1909 में इनके भेजे गए पिस्तौल से। इसी कारण से नासिक षड्यंत्र केस में इनको दोहरा काला पानी यानी कुल मिला के 50 साल का सजा दिया गया था। किनको? विनायक दामोदर सावरकर को। इनकी पुण्यतिथि 26 फरवरी को मनाया गया है 1899 में, याद रखना। मित्र मेला की स्थापना की, 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की और 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने नासिक मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी। याद कर लो, चीन ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 सैटेलाइट को छोड़ा है। लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट का नाम है। इस रॉकेट से चीन ने क्या किया है भैया? 22 अलग अलग सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। और आपको याद होगा हाल ही में चीन ने क्या किया है, अपने सैटेलाइट के ऑर्बिट को भी, अब एक डेड सैटेलाइट था उसने अपने ऑर्बिट को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। उससे अंतरिक्ष में प्रदूषण होने का खतरा बढ़ गया है। वो तो दूसरा है, क्लियर है भैया? तो चीन ने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया? देखो सामने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट का चित्र मैंने दिखा दिया है। लॉन्ग मार्च 8 से चीन ने क्या किया है, 22 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा है। नेक्स्ट आइए, चीन में भारत के राजदूत रहे विक्रम मिश्री, याद रखिए भैया। भारत के राजदूत थे चीन में विक्रम मिश्री। इनको प्रधान राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल। अब विक्रम मिश्री को क्या बनाया गया? उप सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री, जो चीन में भारत के राजदूत थे। अब इनको उप सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। और सुरक्षा सलाहकार कौन है, नोट कर लो, कौन है भैया? अजीत डोभाल है भारत के अभी सुरक्षा सलाहकार। सामने विक्रम मिश्री का चित्र दिया है, आप देख लीजिए, इनको बनाया गया है उप सुरक्षा सलाहकार। और हमारे सबसे योग्य नेता बीजेपी के रण बाकुड़े, टीवी पर बहस करने में नंबर वन संबित पात्रा, हमारे सबसे योग्य नेता संबित पात्रा को इनके बोलने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें क्या बनाया है? भारतीय जनता पार्टी इनको भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बनाया गया है। पहले ONGC के चीफ थे और अब किसके अध्यक्ष बना दिए गए? भारत पर्यटन विकास निगम। क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है? श्री संबित पात्रा। पेशे से डॉक्टर हैं, बीजेपी के नेता हैं और संबित पात्रा उड़ीसा के रहने वाले हैं और ये चुनाव हार गए थे लोकसभा के, तब कुछ लायक नहीं बचे। अगर जीत जाते चुनाव तो क्या बनाया जाता इनको? मंत्री बनाया जाता।
कहीं नहीं बचे, तो अंतिम में क्या बना दिया, भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बना दिया गया। नेक्स्ट आ जाइए, और इस सेशन का अंतिम सवाल, इस सेशन का अंतिम सवाल, कैसा लगा सेशन एक बार आप जरूर बता दीजिएगा। चलो भैया, अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार किनको नियुक्त किया गया है, अमित खरे को। सामने में अमित खरे का चित्र दिया हुआ है। अमित खरे प्रधानमंत्री मोदी के क्या बने हैं, सलाहकार। नोट कर लीजिए। और आज का सेशन एमसीक्यू कैसा लगा आपको, आज का जो मैंने एमसीक्यू कराया वो कैसा लगा, आज का करंट अफेयर का सेशन कैसा लगा, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताना, छोटा बड़ा कमेंट, ये कैसा लगा सेशन। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो मिशन 50 आईएएस, मिशन आईएएस और डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर आईएएस हैं, ये तीनों टेलीग्राम चैनल है, इससे आप लोग जुड़ जाइएगा, इसका हर दिन का पीडीएफ वहां आपको मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं कल बेहतरीन एमसीक्यू और बेहतरीन करंट के साथ। तब तक के लिए शुभरात्रि, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।